तालियों में कंजूसी नहीं होती ना की जोरदार तालियां हमारे आज के अतिथियों का स्वागत करने के लिए। श्री लक्ष्मण दास जी, श्रीमती कुंती देवी जी, नेक्स्ट परफॉर्मेंस श्रीमती शुक्ला देवी जी मल्होत्रा। सबसे पहले मैं एमपी बना, मुझे 6,80,000 वोट मिले पहली बार चुनाव लड़ने। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पंजाबी या दूसरे गैर जाट थे या दूसरे भी लोग थे, जाट भी होंगे शायद, उनको ये लालसा थी कि इस व्यक्ति को हमने जिताना है। उसके बाद हमारे आए खट्टर साहब और उनको सारा घूमने के बाद करनाल ही पसंद आया, तो हमने उनको करनाल से लड़ाया और करनाल से जीत करके वो मुख्यमंत्री बने और पहली बार हरियाणा के अंदर पंजाब का मुख्यमंत्री और पंजाब का एमपी। मैं अब से थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो पिछले 10 साल से कह रहा हूँ कि पंजाबी समाज जो है, जो हरियाणा के अंदर है, अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से तो नंबर 2 पर है। नंबर 1 पर अगर जाट कहते हैं कि हम 30% हैं, तो हम 28% हैं और हम वो पंजाबी हैं जो पाकिस्तान से खाली हाथ लुटपुट के आए थे और हमारे पास, हमारे बुजुर्गों के पास एक पैसा भी नहीं था और हमने कभी कोई किसी से आरक्षण नहीं मांगा, किसी से पैसा नहीं मांगा। हमने, हमारे बुजुर्गों ने रेड़ियां लगाई, हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की और मेहनत के बल पर आज पंजाबियों ने हरियाणा को खड़ा कर दिया और अब हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम अगर इकट्ठे हो जाएं तो हम हरियाणा प्रदेश पे, जैसे कि हमारे अभी भी मुख्यमंत्री पंजाबी हैं, हम आगे चलकर भी और पक्का राज जो है स्थापित कर सकते हैं हरियाणा में। सर, आपने कहा कि दिवाली जो प्रदेश के अंदर से पार्टी का जहर बोल रहे हैं, आए दिन जो है ऐसे बयान देते हैं, हुड्डा ने भी ऐसे बयान दिए कि पंजाबी समाज जहाँ से आए उनको वापस वहीं लौटा देंगे, इस तरह के बयानों पर सर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में तो हमें अब क्या, शुरू से गालियां मिल रही हैं। पहले जब हम आए थे हमें रिफ्यूजी कहते थे, फिर हमें कहते थे ये लुटे रहे हैं, फिर ये कहते थे ये हरियाणा को लूटने आए हैं। तो ये तो इनका सिस्टम शुरू से चला आ रहा है। अब उन्होंने क्या, अब नया कोई कर दिया, अब एक उनका बच्चा है छोटा सा, उसने कह दिया खट्टर पट्टर। क्या मुख्यमंत्री को ऐसा कहना चाहिए? ये तो बड़ी भाषा जो है ये तो ठीक नहीं है। राजकुमार सैनी जी जो है वो दादरी आना चाहते थे, उनका कार्यक्रम भी तय था, लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे कि जाट में खापों ने अल्टीमेटम दिया है सर कि उनको वहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा, क्या लोकतंत्र में इस तरह से एक सांसद को आने से रोकना बाजी मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता, उनको आना चाहिए और अगर खापे उनको रोकना चाहती हैं तो वो उनको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि वो अपनी बात को कह सके, चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे। सर, आपको नहीं लगता आरक्षण की लड़ाई के बहाने कहीं ना कहीं प्रदेश के एक गैर जाट मुख्यमंत्री को हजम नहीं किया लोगों ने, जिस तरह से आंदोलन हुआ था? देखिए, मैं ना आरक्षण के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता,
क्योंकि आरक्षण का जो मुद्दा था वो उठा और कितने महीने तक चलता रहा, अब वो आरक्षण का मुद्दा बैठ गया है। सर आपने अपनी स्पीच में कहा था कि वो पहली बार दीवाने हैं और बंसीलाल थे, तो क्या कोई मैंने ऐसे ही, क्योंकि मेरी बंसीलाल, जब मैं पहले पत्रकार था आपकी तरह, तो जब मैं लिखता था तो बंसीलाल जी के हमेशा खिलाफ ही लिखता था, क्योंकि उनकी जिस तरह का उनका व्यवहार लोगों के साथ था वो अच्छा नहीं लगता था मुझे, तो इसलिए मैंने मजाक में कहा था मैं भवानी इसलिए नहीं आता, डर लगता था कि बंसीलाल जी रहते हैं यहाँ। और जो प्रति सम्मान माना जाए या एक खौफ माना जाए? खौफ था उनका, उन्होंने उनके खौफ से तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन डरती थी, जनता डरती थी, वो तो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे, इसलिए आप भी नहीं आते थे? नहीं नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं को डरता थोड़ा था उनसे। मैंने कहा था ना ये पहले, देखो ऐसे है कि पहले जो थे ना हमारे सांसद और एमएलए, और पहले सबसे पहले मैंने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी जो है शुरू में कि ब्यूरोक्रेसी जो है कंट्रोल में नहीं है मुख्यमंत्री जी के, और ब्यूरोक्रेसी जो है बड़ी करप्ट है, और अब मैं ये कहता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी तो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, लेकिन अब एमएलए और सांसद भी कुछ ऐसे, कुछ सारे नहीं, कुछ ऐसे हैं जो कि अब करप्शन की तरफ चल पड़े हैं। उनके नाम आप क्या समझते हो कि मैं एक प्रेस वाला हूँ, मैं अपनी सोच बताऊंगा आपको? हाँ तो अगर मैं राजनीतिज्ञ भी हूँ तब भी मैं उनके नाम क्यों बताऊँ आपको? आप जागृति की बात करते हैं सर, क्या ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं किया जाना चाहिए? करना चाहिए, अपने आप प्रेस में होगा एक्सपोज धीरे धीरे। पीएम से इनके बारे में शिकायत करेंगे? हाँ सीएम या पीएम से शिकायत करेंगे? देखो पीएम से तो समय नहीं इतना मिल सकता कि उनके जाके डिटेल में बात करें, लेकिन सीएम से एक आध बार बात हुई है और एक आध बार और बात जरूर मैं करूंगा, उनके संज्ञान में ये बात लाऊंगा। दो साल में हरियाणा सरकार को कितने नंबर आप देते हैं? कितने मंत्री ऐसे हैं जिनकी संख्या 2-4-5? यार ये ऐसी ऐसे थोड़ा होता है, संख्या तो कुछ भी हो सकती है, लगभग भी। ये क्या हुआ आतंकवाद के ऊपर आपकी क्या कहना है, क्योंकि काफी समय आपसे अभी लड़ाई देखते आ रहे हैं, अभी युद्ध की बात कर रहे हैं, किस प्रकार की बात है, क्या कहना चाहोगे? मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये कार्य किया है उड़ी के मामले में, जो ये ऑपरेशन किया गया, सर्जिकल ऑपरेशन किया गया, ये दुनिया को, ना केवल पाकिस्तान बल्कि जितने भी राष्ट्र हैं जहाँ पर कि आतंकवाद है, उन सबको ये एक मैसेज है कि अगर भारत की तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। और आप ये समझ लीजिए कि ये अब मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं अपने प्रधानमंत्री जी को जानता हूँ और वो देश रक्षा के लिए, देश प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं।